नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी और महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी के तरफ से तमाम बड़े नेता मोकामा और गोपालगंज में कैंप कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के नेता भी जो है बीजेपी को टक्कर देने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने हैं। दोनों सीटों पर बिहार एनडीए के तरफ से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बिहार महागठबंधन के तरफ से राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज जो है मोकामा में तेजस्वी यादव जाने वाले हैं और इसके साथ ही गोपालगंज में भी उनका चुनावी कार्यक्रम तय है। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है कुछ ही देर में मोकामा पहुंचेंगे, मोकामा में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही करीब 2 बजे के आसपास उनका गोपालगंज में भी कार्यक्रम तय किया गया है। और वहीं अगर बात करें बीजेपी के तरफ से, तो बीजेपी के तरफ से जो है मनोज तिवारी आज मोकामा में कैंप करेंगे, और वहीं जो दिनेश लाल निरहुआ हैं वो गोपालगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो है गोपालगंज में आज चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि कल चिराग पासवान ने मोकामा में चुनाव प्रचार किया है, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा अगर जदयू की तरफ से बात करें, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ ललन सिंह जो है तमाम जगहों पर जाएंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। अगर बात करते हैं मोकामा की, तो मोकामा में बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं राजद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया है। और यहां पर जो लड़ाई है आमने सामने की लड़ाई है। अगर गोपालगंज की बात करें, तो गोपालगंज में बीजेपी ने कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है और राजद ने मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया है। इसके अलावा बीएसपी के तरफ से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा ओबीसी की पार्टी भी यहाँ पर ताल ठोक रही है। तो गोपालगंज के जो लड़ाई है वो तीन तरफा होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मोकामा में आमने सामने की लड़ाई है। तो आज ये चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और दोनों ही दल जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि चुनाव प्रचार में कोई कसर छूट ना जाए। तो अब देखना होगा कि आज जो बीजेपी के नेता है वो अपने पक्ष में कितना माहौल बना पाते हैं, वहीं महागठबंधन के जो नेता हैं वो अपने पक्ष में कितना माहौल बनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।